Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number. And it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Part 10 Kathin Shab Number 8 Homework नंबर दो वार्षिक नंबर तीन संयोगवश नंबर चार तत्काल नंबर पाँच उद्घोषक नंबर छः लाइव टेलीकास्ट नंबर सात संवाददाता नंबर आठ नेटवर्क नंबर नौ दर्शक नंबर दस सर्वप्रथम नंबर ग्यारह रिवॉल्वर नंबर बारह कमांडो नंबर तेरा अनुरोध। नंबर चौदह वेबसाइट नंबर दृश्य बच्चों अब हम पाठ के मौखिक प्रश्नों के उत्तर समझते हैं प्रश्न एक लाइव टेलीकास्ट का क्या अर्थ है उत्तर सीधा प्रसारण प्रश्न दो विवेक के नाना नानी कहाँ रहते हैं उत्तर विवेक के नाना नानी कोलकाता में रहते हैं प्रश्न तीन नेटवर्क और वेबसाइट से आप क्या समझते हैं उत्तर नेटवर्क का अर्थ है सूचना का प्रसारण यानी सूचना पहुँचाना वेबसाइट का अर्थ है इंटरनेट के माध्यम से किसी भी चीज की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना प्रश्न चार विवेक ने किस सूझबूझ से काम लिया उत्तर विवेक ने तुरंत ईमेल टाइप किया और बताया कि पुलिस वाले को फोन करके आप बताइए कि मेरे घर में चोर घुस आए हैं आओ बच्चों, अब हम पाठ के लिखित प्रश्नों के उत्तर समझते हैं प्रश्न एक इस कहानी का नायक कौन है उत्तर इस कहानी का मुख्य नायक विवेक है प्रश्न दो घर के सब लोग कहाँ गए थे और विवेक क्यों नहीं गया उत्तर घर के सभी लोग विवेक के मामा की शादी में कोलकाता गए थे विवेक की वार्षिक परीक्षा शुरू होने वाली थी इसलिए विवेक नहीं गया प्रश्न तीन विवेक के छोटे भाई का नाम क्या था उत्तर विवेक के छोटे भाई का नाम अंश था बच्चों अब हम पाठ में आए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर समझते हैं प्रश्न एक घर वालों के जाने के बाद विवेक के घर में कौन सी अनहोनी घटना घटी उत्तर घर वालों के जाने के बाद विवेक के घर में रात को चोर घुस आए और विवेक ने ईमेल टाइप करके इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी प्रश्न दो विवेक की नींद खुली तो उसने क्या देखा उत्तर विवेक की नींद खुली तो उसने देखा कि पास वाले कमरे में कुछ लोग घुस आए हैं और अलमारी खोलने की कोशिश कर रहे हैं उसके बाद विवेक ने अपनी सूझबूझ से काम लिया प्रश्न तीन इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है उत्तर इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी सूझबूझ से काम लेना चाहिए मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए वैज्ञानिक तकनीकी का फायदा उठाकर जीवन को सुलभ बनाना चाहिए बच्चों अब हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों के बारे में पढ़ेंगे वे शब्द जो सुनने में एक समान लगते हैं पर उनके अर्थ अलग अलग होते हैं उन्हें समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं जैसे चीर वस्त्र चिर पुराना अन्न अनाज अन्य दूसरा दिन दिवस दीन गरीब श्याम सांवला शाम संध्या बाहर घर के बाहर बाहर खुशी आओ अब हम उपसर्ग के बारे में पढ़ते हैं निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए तो बच्चों जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि उपसर्ग हमेशा शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं तो बच्चों आओ अब हम इन दिए गए शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाएं। अ प्लस ज्ञान अज्ञान अ प्लस नीति अनीति, वी प्लस वाद, विवाद वी प्लस क्रम विक्रम सम प्लस मान, सम्मान अ प्लस हिंसा अहिंसा नीचे दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग एवं पुलिंग के रूप छांटकर लिखिए पुलिंग कैमरा दृश्य संवाददाता स्त्रीलिंग खिड़की होशियारी पुलिस निम्नलिखित विशेषण शब्दों का विशेष से मिलान कीजिए विशेषण जो शब्द किसी शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं और विशेष वे शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जा रही है तो बच्चों जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं और जो उनकी विशेषता बताई जाती है वे विशेषण कहलाते हैं जो शब्द किसी शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं और जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है उन्हें विशेष्य कहते हैं जैसे विवेक बुद्धिमान विवेक क्या है विशेष्य है और इसकी विशेषता क्या है कि विवेक एक बुद्धिमान लड़का है पुलिस पुलिस क्या है विशेष्य और इसकी विशेषता क्या है कि पुलिस कैसी है सतर्क आवाज आवाज विशेष्य है और इसकी विशेषता है धीमी आवाज कैसी है धीमी बच्चे विशेष है बच्चे की विशेषता क्या है कि शरारती है बच्चे शरारती